नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। डीके यादव न्यूज में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम देखेंगे पाकिस्तानी मीडिया की एक और लेटेस्ट डिबेट। लेकिन उससे पहले, यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। आइए देखते हैं वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम। कराची में गैस बहरान, अवाम के सबर का पैमाना लबरेज हो गया। बल्दिया, शेषा, इतिहा टाउन साइट और मेट्रोवेल में गैस लोड शेडिंग के खिलाफ एहतजाज किया जा रहा है। नहीं मानते, सुन के ये जाप्ते। हम नहीं मानते। ताजरों का माशी कतल बंद करो। ताजरों का माशी कतल बंद करो। जी सर, क्या कहेंगे आप? कारोबार अब बंद। देखिए, इस वक्त जो इन्होंने अनाउंसमेंट की कारोबार बंद करने की, आप मुल्की हालात तो पहले देखें, इस वक्त महंगाई के हालात तो देखें। आप चिकन देखें कि चिकन की प्राइसेस एक महीने में 40% बढ़ चुकी है। अब सवाल ये पैदा होता है कि बहुत से ऐसे इकदाम थे जिसको हमें करने थे, पहले रिव्यू जो सितंबर में मुकम्मल हुआ है उसके पहले हमें करने थे, वो अभी तक हमने नहीं किए हैं। गलती हो गई, उन्होंने रियलाइज नहीं किया कि सोयाबीन की इम्पोर्टेंस कितनी है पोल्ट्री सेक्टर में, और पिछले 2.5 महीनों से ना सोयाबीन का कोई जहाज छोड़ा है ना कनो। जुल्म के ये दाब दे हम नहीं मानते। जुल्म के ये दाब दे हम नहीं मानते। मुजाहरीन में खवातीन और बच्चे भी शामिल हैं। अंजुम वहाब हमारे साथ मौजूद है, उनसे मजीद जानेंगे, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, इन इलाकों की आवाम का सबर का पैमाना बिल्कुल लबरेज हो गया। मुतअद्दिद बार इन्होंने एसएचजीसी के दफ्तर में जाके शिकायत दर्ज कराई थी, लेकिन कोई सुनवाई ना हो सकी। उनका ये कहना था कि 8 घंटे की गैस फरहमी का वादा किया गया था कि सुबह, दोपहर और शाम के औकात में गैस फराहम की जाएगी, लेकिन गैस नहीं फराहम की जा रही। आज खवातीन बच्चों समेत मर्द हजरात भी यहाँ पर शेरशाह सुई गैस के दफ्तर में पहुंचे, वहां उन्होंने एहतजाज किया। काम कोई भी अफसर उनसे मुलाकात के लिए नहीं आया, तो ये जबरदस्ती गेट तोड़कर अंदर दाखिल हो गए, और दफ्तर के अंदर दाखिल होने के बाद भी इनकी अफसरान से मुतासर तरीके से बात ना सकी, उन्होंने सही तरह जवाब नहीं दिया। तो आवाम मुश्तैल हो गई, इन्होंने दफ्तर में तोड़फोड़ शुरू कर दी। कुर्सियां, मेज, दरवाजे, शीशे सब कुछ तोड़ फोड़ के रख दिया और दफ्तर को तहस नहस कर दिया। मुश्तैल आवाम का यही कहना था कि महीने हो चुके हैं कि गैस की फरहमी में इसी तरह तातुल आ रहा है और मुतअद्दिद बार शिकायत भी दर्ज कराई जाती है, लेकिन गैस नहीं दी जाती। और मुतअद्दिद इलाके ऐसे हैं जहाँ गैस पाइपलाइनों में पानी आ चुका है, उस पानी को भी नहीं निकाला जा रहा। अगर चंद लम्हों के लिए या 1-2 घंटे के लिए गैस दी जाती है तो उसका प्रेशर इतना कम होता है कि चाय की एक प्याली तक नहीं गर्म हो सकती, तो चाय या नाश्ता किस तरह तैयार किया जाए। तो ये और उसमें जो ज्यादा अहम है वो ये है कि पेट्रोलियम लेवी का मसला है, फिर दूसरी तरफ आपको बिजली की कीमतों में कुछ इजाफा करना था और गैस की कीमतों में भी कुछ इजाफा करना है, और साथ साथ आपको रुपए जो है, जो इस वक्त आपने उसको एक तरह से मैनेज फ्लोट किया हुआ है, आईएमएफ के साथ अग्रीमेंट जो हुआ था वो ये था कि मार्केट डिटरमिंड एक्सचेंज रेट होगा जिसमें कोई दखल हुकूमत की नहीं होगी और इम्पोर्ट्स पे कोई रिस्ट्रिक्शंस एलसीस पे नहीं लगाए जाएंगे। तो ये सब बड़े अहम इश्यूज हैं, और अब ये देखना है कि अगर आईएमएफ हमसे ये कहता है कि आपने कुछ खास प्रोग्रेस नहीं की पिछले कुछ हफ्तों में, तो फिर प्रोग्राम का जो आने वाला सिलसिला है वो बहुत मुश्किल हो सकता है और सस्पेंशन भी हो सकता है आईएमएफ प्रोग्राम का, जिसके नतीजे में हालात और तेजी से खराब होने का खतरा मौजूद है। अच्छा डॉक्टर साहब, हमेशा रहनुमाई करते रहते हैं, 8 माह हो गए हैं, लगता है कि हुकूमत कुछ बात सुनना नहीं चाहती। एक तरफ कह रही है 8:30 बजे बंद कर दो, दूसरी तरफ 80-80 गुजरा है ब्यूरोक्रेट के, 40-40 कनाल के घर है सरकारी अफसरों के, वहां लाइटिंग का बेदरेग इस्तेमाल। अगर हुकूमत खुद कफायत शारी नहीं करती, और दूसरा कि क्या जो मुल्क की इस वक्त इकॉनमी जिस तरह से इसहाक डार साहब चला रहे हैं, आप समझते हैं कि मुल्क को क्राइसिस से निकाल लेंगे ये जो हिकमत अमली अब आज तक नजर आ रही है? देखिए, मुझे अफसोस से कहना पड़ता है कि हम सबकी उम्मीद तो ये थी कि इस हुकूमत के आईएमएफ प्रोग्राम में वापस जाने के बाद हालात बेहतर होंगे, मगर ऐसा नहीं हुआ है। और उसकी सबसे बड़ी वजह जो आपने बिल्कुल ठीक फरमाया कि बजट में ये कहा गया था, इस साल के बजट, नवा साल के,
कि हम जो रोजाना के हुकूमत के खर्चे हैं उनमें सिर्फ 2% इजाफा होगा, मगर पहले 6 महीने में अंदाजा यह है कि 15% से ज्यादा इजाफा हो चुका है। तो इकॉनमी ड्राइव जिसकी बहुत सख्त जरूरत है उसकी कोई एविडेंस हमें नजर नहीं आई है। सब्सिडीज पे ये कहा गया था इस साल के 50% कम कर देंगे, खासतौर पे पावर सेक्टर को, मगर 24% इजाफा हुआ है। तो दरअसल जो खर्चों का सिलसिला है उस पर कोई कंट्रोल नहीं की जा रही। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, गवर्नमेंट को डेमोंस्ट्रेट करना चाहिए, लोगों को ये बात एहसास हो कि इकॉनमी हुकूमत कर रही है तो हम भी करें, मगर ये इशारा बिल्कुल नहीं मिल रहा है, मुझे अफसोस से कहना पड़ रहा है। लास्ट सीट का कोई जहाज छोड़ा, जिसकी वजह से मुर्गी की खुराक की शदीद शॉर्टेज आ गई और जो खुराक बनी वो भी मियारी नहीं थी, जिससे मुर्गी की सही परवरिश नहीं हो सकी और मुर्गी जो है वो शॉर्ट हो गई है। अब जैसी मुर्गी शॉर्ट हुई है, आपने अखबारों में देखा होगा कि हम लोगों ने इश्तिहार भी दिए हुए कि पिछले साल आज के दिन जो मुर्गी थी उसका गोश्त 300 रुपए से कम था, आज 525 रुपए हो गया है, उससे पिछले साल भी कम कीमत थी 300 रुपए से। तो जो कीमत बढ़ी है वो 162 रुपए 3 नवंबर और 3 जनवरी में बढ़ गई है पर किलो ऑफ चिकन। तो जब इतनी कीमत बढ़ी है और रोज़ 10-15 रुपए 20 रुपए है और नेचुरली लोगों की कुव्वत खरीद से बाहर जा रही है, तो मीडिया पे और सोशल मीडिया पे एक काफ़ी तूफान खड़ा हो गया है और उसको उन्होंने ख़त्म करने के लिए कहा है कि जी मुर्गी खानी बंद कर दें, इसमें जहर होता है, ये खाएंगे तो फौरी मर जाएंगे। तो चीमा साहब बता दें कि पाकिस्तान में कोई आज तक एक केस ऐसा हो जिसमें कोई मुर्गी की वजह से किसी को कोई तकलीफ आई हो या अंडे की वजह से हो? और आपको मैं बताऊं कि ये जिस सीट के ऊपर और जिस मील के ऊपर ये इल्ज़ाम लगा रहे हैं उसका दुनिया में सबसे बड़ा इम्पोर्टर जो है वो 17 मिलियन टन 1,70,00,000 टन सिर्फ यूरोपीय यूनियन मंगाता है, उसके अलावा सऊदी अरेबिया, यूएई, 170 मुल्कों में वो मील जाता है। अमेरिका खुद 60,00,000 टन उसको कंज्यूम करता है और जापान मंगाता है। इंडिया में तो ना सिर्फ वो मुर्गी की खुराक में इस्तेमाल करते हैं बल्कि क्योंकि वहाँ पर लोग वेजिटेरियन है वो उसको जिस तरह हम टिक्का और कबाब बना के खाते हैं वो सोयाबीन के टिक्के और कबाब बना के खाते हैं। अच्छा। तो मौसूफ वजीर साहब ने वो अपनी जो थी ना जी गलती उसको कवर करने के लिए वो ऐसी बातें की जिनका ना कोई सर है ना पैर है, और शुक्र खुदा का ये है कि उन्होंने वो उर्दू में बात की है, अंग्रेजी में की होती तो पूरी दुनिया में एक रसवाई होती कि पाकिस्तान का जो फूड मिनिस्टर है, फूड सिक्योरिटी मिनिस्टर है, वो कैसी गुफ्तगू कर रहा है। मैं इससे ज़्यादा सख्त अल्फाज इस्तेमाल नहीं करना चाहता। दूसरा, उन्होंने कहा कि जैसे ही उन्होंने सख्ती की तो जहाज़ बुक हो गए इथोपिया से और ऑस्ट्रेलिया से नॉन जीएमओ सोयाबीन के। तो चीमा साहब आप अपनी तशरीह कर लीजिए, अपनी इसलाह कर लीजिए। चावल की आप कीमत देखें डबल हो चुकी है, ऑयल जो है वो आपको मार्केट में मिल नहीं रहा, ठीक है। आटे की आप हालत देखें, आटा इस टाइम इस तरह हो गया है जिसमें वो सोने का है। तो इन्हें देखना चाहिए कि जो हालात इस टाइम चल रहे हैं उसके ऊपर इन्होंने टाइमिंग का बम हम पे गिरा दिया है। रेस्टोरेंट इंडस्ट्री हमारी इकोनॉमी का बड़ा मेन हिस्सा है, शादी हॉल हमारी इकोनॉमी का बड़ा मेन हिस्सा है। तो मैं दरख्वास्त करता हूँ हुकूमत से, हमारी इस जो इन्होंने शहबाज शरीफ ने तो बड़े दावे किए थे कि मैं महंगाई खत्म कर दूंगा और जो हमारी हुकूमत होगी वो अवाम दोस्त हुकूमत होगी। देखें आपके सामने है, कोई चीज दबी चुकी नहीं, कितनी अवाम दोस्त हुकूमत ये रही है, ठीक है। हमने तो जब ये गवर्नमेंट आई हमें भी इनसे बड़ी एक्सपेक्टेशंस थी, हमने कहा कि ये अवाम के लिए कुछ करेंगे, ठीक है। इन्होंने देखें महंगाई के साथ साथ ऊपर हम पे टाइमिंग का बम गिरा दिया, ठीक है। ये किस तरीके से रेस्टोरेंट इंडस्ट्री जो है वो सर्वाइव करेगी? रेस्टोरेंट इंडस्ट्री बड़ा मेन रोल प्ले कर रही है पूरी पाकिस्तान की इकोनॉमी में। तो मैं दरख्वास्त करता हूँ इनसे बराए मेहरबानी, ठीक है, हम पे इतना जुल्म ना करें, हम पे रहम करें, ठीक है। और ये टाइमिंग का जो आपने सिलसिला बनाया हुआ है कि 8:30 बजे पूरी मार्केटें बंद हो जाएंगी दुनिया। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद दोस्तों। पाकिस्तान में लोगों का गुस्सा फूट पड़ा है, जिस तरह से पाकिस्तान की सरकार द्वारा लोगों को निर्देश दिए जा रहे हैं कि पाकिस्तान में 8:00 बजे के बाद बाजारों को ना खोला जाए, जिससे पाकिस्तान में बिजली की बचत होगी और पाकिस्तान का काफ़ी ज़्यादा डॉलर और रुपया बचेगा, और जिस पर पाकिस्तानी लोग काफ़ी ज़्यादा भड़क चुके हैं। पाकिस्तानियों का कहना है यदि हम ऐसा करेंगे तो
बेरोजगारी काफ़ी ज़्यादा होगी इस पर, और साथ ही पाकिस्तान में गैस और बिजली ना मिलने पर भी लोग काफ़ी ज़्यादा तादाद में सड़कों पर निकले हैं। लोगों का कहना है कि हमें गैस नहीं मिल रही, जिससे लोगों ने जम करके तोड़फोड़ की है। हजारों की तादाद में लोग सड़कों पर हैं। पाकिस्तान में हालात बिगड़ते जा रहे हैं। पाकिस्तान में लगातार बढ़ रही महंगाई से लोग परेशान हैं, क्योंकि पाकिस्तान इस वक्त IMF के प्रोग्राम में है, जिस वजह से पाकिस्तान में महंगाई काफ़ी ज़्यादा तेज़ी से बढ़ रही है। पाकिस्तान को ना तो पैसा मिल रहा और ना महंगाई पर काबू पाया जा रहा। पाकिस्तान में चिकन को लेकर काफ़ी ज़्यादा हंगामा है, क्योंकि पाकिस्तान सोयाबीन इम्पोर्ट नहीं कर पा रहा, जिससे पाकिस्तान में चिकन रात दिन महंगा होता चला जा रहा है और आम आदमी की पहुंच से काफ़ी दूर हो गया है, जिस पर लोग भड़क गए हैं, क्योंकि पाकिस्तान में चिकन लोगों के लिए बहुत ज़रूरी होता है। आपकी क्या राय है कमेंट में ज़रूर शेयर करें। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। जय हिंद, वंदे मातरम।